बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम काजिम अली। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री जो है उसका पहला चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो लिखा है मैंने कि इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री। अब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है वो बैक साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ साइंस, कि साइंस क्या है। अब साइंस जो है ये एक लेटेंट वर्ड है जो सेंटिया से निकला है। अब सेंटिया मीन्स होता है नॉलेज। अब नॉलेज जो है साइंस भी एक नॉलेज का नाम है। जिस किस्म के मसलन उसमें आप बायो का है तब भी साइंस है, वो भी नॉलेज है। फिज़िक्स है वो भी एक साइंस है, वो भी एक नॉलेज है। केमिस्ट्री है वो भी एक साइंस है, वो भी एक नॉलेज है। अब इस नॉलेज पे ये जो वर्ड है ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर। देर आर द थ्री थिंग्स विच इज डिपेंड टू दिस वन। नंबर वन इज दैट ऑब्जर्वेशंस, नंबर टू हाइपोथेसिस एंड नंबर थ्री एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इन थ्री स्टेप्स को साइंस की रूह में से लेंगे, तब जाकर हम जो है फाइनल एक रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो पहुंचते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल है जिस तरह एक मलेरिया जो है, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोस। जब हमारे अंदर ये एक क्वेश्चन आ गया कि मलेरिया जो है वो एक मॉस्किटोस से फैलता है, तो हम उसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो लेंगे, जिसमें से साइंस के अंदर जो सबसे पहले हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन होगी कि किस जगह पे मलेरिया जो है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद हम उसके लिए जो है वो उसके हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस के बाद जब हमारा उस मलेरिया के बारे में रिजल्ट आ जाता है, कंफर्म हो जाता है कि मलेरिया इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज, तो देन वी कैन से द एक्सपेरिमेंट। तो फिर हम उसके लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट जो है हमारे दिए हुए ऊपर वाले स्टेप्स के मुताबिक सही हो जाते हैं तो फिर जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद हमारी थीरीज बनती हैं, फिर वो लॉ बनती हैं। तो गोया ये साइंस से रिलेटेड ये चीज़ें जो हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। इसके बाद हम आ जाते हैं साइंस की टाइप्स के ऊपर कि साइंस की कितनी टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द साइंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द साइंस। नंबर वन इज दैट यूनिवर्सल साइंस, नंबर टू सोशल साइंस, नंबर थ्री फॉर्मल साइंस। अब व्हाट इज द यूनिवर्सल साइंस, कि यूनिवर्सल साइंस क्या है। अब यूनिवर्सल साइंस के अंदर थ्री टाइप्स जो है वो साइंस की आ जाती हैं, जिनमें से फर्स्ट फिजिक्स है, ये भी एक यूनिवर्सल साइंस। केमिस्ट्री, ये भी यूनिवर्सल साइंस। बायो, यूनिवर्सल साइंस। इसके बाद सेकेंड टाइप्स जो है वो साइंस की है सोशल साइंस। सोशल साइंस से रिलेटेड जो हैं सोशियोलॉजी, जिस तरह पीपल एंड सोसाइटी, ये रिलेटेड टू है दिस सोशल साइंस से, तो ये सोशल साइंस से रिलेट करती हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ द साइंस इज दैट फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस इज रिलेटेड टू द लॉजिक एंड मैथ्स के ऊपर डिस्कस करती है। नाउ एट दिस टाइम नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइंस यानी केमिस्ट्री। अब हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री जो है वो क्या है। अब हम केमिस्ट्री की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन क्या है। अगर हम केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नंबर वन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ द मैटर इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। इसको जो है वो हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ द मैटर। अब इनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये मैटर क्या है। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है। मैटर इज दैट सब्सटेंसेस विच कैरी वेट एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। मैटर जो है उसका वेट भी होता है और स्पेस को भी ऑक्यूपाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये मार्कर है तो अब ये एक मैटर है, अब इसका वेट भी है और ये एक स्पेस भी रखा हुआ है। हाँ एक चीज़ है कि जिसमें एयर है,
एयर जो है वो उस मैटर में नहीं आ जाता, ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है करती है, ना ही जो है एयर के जो है वो वेट है। अलबत्ता ये है कि अगर हम एयर को किसी एक सिलेंडर के अंदर बंद कर देते हैं तो फिर उसकी एक क्यूबिकल शेप आ जाती है, सिलेंडर की शेप आएगा, उसका फिर वेट भी होगा, फिर उसका जो है यानी उसका मास भी होगा और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगी। नाउ डिस्कस अब दिस कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब मैटर की कंपोजिशन जो है वो क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है H2O, मैंने एग्जांपल दी है कंपोजिशन ऑफ मैटर में H2O। ये H2O जो है सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये किन किन चीज़ों से मिलकर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये मिलाकर उन्होंने जो है वो H2O सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बना दिया। ये है इनकी कंपोजिशन। मिसाल के तौर पर अगर H2O है तो H2O की जो कंपोजिशंस है इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं जिसमें से ऑक्सीजन है और साथ जो है वो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर जो है ये वाटर को बना दिया। सिमिलरली इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर भी टू एलिमेंट्स हैं। नंबर वन इज दैट सोडियम एंड नंबर टू इज क्लोरीन। तो सोडियम एंड क्लोरीन की कंपोजिशन के साथ जो है वो ये सोडियम क्लोराइड बना है। थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बन और इनकी कंपोजिशन के साथ जो है ये मैटर जो है वो बना है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कीप इन माइंड योर दिस कंपोजिशन ऑफ मैटर, अगर इसको आप माइंड में रखें तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इस वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह के स्ट्रक्चर से, यानी वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ये रखते हैं। अब देखें इसके लिए मैंने लिखा है कि ये इसमें जो है ये सोडियम वाटर है, इसका जो मेजर स्ट्रक्चर्स है वाटर का वो इसमें ये देखें कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन, ये इसका जो है मेजर स्ट्रक्चर्स है। सिमिलरली इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर्स क्या है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये सोडियम जो है वन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को डोनेट कर देगा। बट इट्स मीन इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, सो इट हैज़ द आयनिक बॉन्ड, तो इसके ऊपर जो है वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा और इनका जो है आयनिक बॉन्ड का ये सोडियम क्लोराइड का जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब थर्ड फॉर्म इसकी आ जाती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स। नंबर वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नंबर टू इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आप इसी वाटर को ले लें, सोडियम क्लोराइड को ले लें या अदर कोई और भी कंपाउंड ले सकते हैं। अब इसके फिजिकल वाटर को लेते हैं तो वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है लिक्विड, उसके लिक्विड फॉर्म में है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, तो ये इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इस मैटर की आ जाती है। सेकेंडली इसमें आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा इसमें ये है कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर इसी सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं NaCl, अब ये जो NaCl है अगर आप इसकी डीकम्पोजिशन करते हैं तो आप अगर इनको तोड़ देते हैं तो जिसमें से सोडियम सेपरेट हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो इससे सेपरेट हो जाएंगे, तो ये इसकी जो डिकम्पोजिशन हुई है दिस इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको जो है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब फोर्थ पे आ जाएं आप रिएक्शंस ऑफ मैटर की तरफ कि रिएक्शन ऑफ मैटर किस तरह इसमें होता है। अब कोई चीज़ अगर बनती है तो साफ ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है तो वो बनाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें यही वाटर की। अब वाटर का रिएक्शन क्या हुआ, अब वाटर के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स बने, उन्होंने रिएक्ट किया, उनकी रिएक्शन की वजह से जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो उनकी वजह से ये देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये दो एलिमेंट्स जो हैं आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो ये वाटर बना देंगे, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शंस ऑफ द मैटर, तो इसको जो है वो बेटा रिएक्शन ऑफ द मैटर कहते हैं। थर्ड फॉर्म में जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है जिसमें लिखा है, अब NaCl के रिएक्शन ऑफ मैटर डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड,
अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं तो इसमें सोडियम सेपरेट है और क्लोरीन सेपरेट है, ये भी दिस इज कॉल्ड द रिएक्शंस ऑफ मैटर में आ जाता है, ये आप रिएक्शन ऑफ मैटर में। नेक्स्ट स्टेप है, अब आगे हम चलते हैं, यहाँ तो था इसमें कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर जो हमने उनके जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज और रिएक्शन ये चार स्टेप बताए थे, उसको मैंने वन बाई वन करके यहाँ जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे हम चलते हैं इसमें से कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, यानी हमारी डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा देती है, क्या क्या नुकसान है। अब देखें आजकल की ये जिस दुनिया में हम रहे हैं ये एक केमिस्ट्री वर्ल्ड है, ये केमिस्ट्री का दौर है, हर चीज़ के अंदर जो है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो है वो हमें नज़र आती है। मिसाल के तौर पर आप देखें उसमें से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई चीज़ जब बनती है तो उसके फ़ायदा एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। अब इसमें से दो चीज़ें इसमें स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारे इसमें यह है कि हमें कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ जो हैं वो इसमें से जो है हमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेजेस ये हैं कि डेली लाइफ के अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोप बनाते हैं, सोप साफ ज़ाहिर है कि हाथ को धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए कास्टिक सोडा ये भी इसी तरह कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एडवांटेज है केमिस्ट्री का, अगर केमिस्ट्री ना होती तो हम इस तरह इसको नहीं बना सकते। सेकेंड इसमें ये डिटर्जेंट्स हैं, अब डिटर्जेंट्स में क्या आ जाता है, सर्फ एक्सल भी डिटर्जेंट्स हैं तो ये चीज़ें इसमें आ जाती। फिर इसी तरह पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर भी जो है वो भी एक इसमें एडवांटेजेस में आ जाता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी जो है वो भी इसी तरह एक एडवांटेजेस है केमिस्ट्री का। फिर इसी तरह बेटा इंसेक्टिसाइड, ये जो कीड़े मार अद्वियात हैं वो भी एक केमिस्ट्री के एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स वो भी एक केमिस्ट्री का जो है वो एडवांटेज है। तो लॉट ऑफ द एडवांटेज ऑफ द केमिस्ट्री एंड देन वी यूज इन आवर डेली लाइफ्स। अब इसमें साफ ज़ाहिर है कि एडवांटेज के साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, सबसे पहले ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए, अब ये इसके जो हैं वो डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस में ये है कि टॉक्सिक वाटर, अब पानी को ये टॉक्सिक बना देते हैं, कैसे, जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों के अंदर जब हम केमिकल्स वगैरह बनाते हैं तो साफ ज़ाहिर है ये केमिकल जो हैं वो वाटर के ज़रिए वो यानी वाटर में जो है वो नदी नालों में आ जाते हैं, स्ट्रीम में आ जाते हैं, जिससे पानी जो होता है वो एक टॉक्सिक हो जाता है। और इस टॉक्सिक फिर इसके बाद है कंटामिनेटेड वाटर, पानी पोल्यूटेड भी हो जाता है, उसमें ये है कि पानी जहरीला होता, क्योंकि बिकॉज दे हैव द ए टॉक्सिक मटेरियल टू इनटू इट, तो इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल है, इसी वजह से जो है वाटर कंटामिनेटेड भी होता है और टॉक्सिक भी होता है। थर्ड इसमें यह है कि एयर पोल्यूटेड हो जाती है, ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। अब जब किसी भी केमिकल फैक्ट्री के अंदर से कोई स्मोक वगैरह जो केमिकल्स निकलते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि वो हवा के अंदर जाते हैं, जब हवा में जाते हैं तो वो केमिकल जो होते हैं हवा के साथ रिएक्शन करके उस एयर को जो है वो पोल्यूटेड कर देते हैं, तो एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो इस तरह बेटा आज का जो है हमने ये जो लेक्चर पढ़ा है केमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, फिर इसके बाद जो है वो मैंने व्हाट इज़ द केमिस्ट्री इसकी डेफिनेशन आपको बताई, फिर इसमें इसकी फोर टाइप्स बता दिए इसमें, फिर इसके बाद जो हमने इसके साथ साथ रिएक्शन बता दिए, फिर इसके बाद लास्ट में जो है मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री, कि हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। थैंक यू।